मेरी लाइफ में अकल और अक्कलदार दोनों ही देर से आई हैं, क्योंकि मुझे ये इतना लेट समझ आया कि मेरी स्किन भले ही ऑयली है, रिंकल्स देर से आएंगे, लेकिन एक ब्राइटनेस के लिए और ग्लो के लिए टाइम टू टाइम क्लीनअप करते रहना चाहिए। तो नमस्ते एवरीवन, आई एम निधि कौशिक। इफ़ यू आर न्यू हियर, वेलकम टू माय चैनल। तो वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड मी अरोमा ट्रेजर का डिटॉक्स चारकोल फेशियल किट। तो इसको यूज़ करने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में, और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। टोटल 6 स्टेप्स हैं इसके। तो सबसे पहले आता है एक्टिवेटेड चारकोल क्लींजिंग जेल, जिससे हमने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है, ताकि जो भी डर्ट हमारी स्किन पे लगी हो वो रिमूव हो जाए, हट जाए। नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे और एक क्लीन टॉवल से डैबिंग मोशन में पोंछ लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एक्टिवेटेड चारकोल स्क्रब। हमारे पोर्स में डस्ट लॉक हो जाती है, तो उसके लिए हम एक्सफोलिएट करते हैं, क्योंकि जितनी भी डेड स्किन है वो उसी से निकलती है। धीरे धीरे हल्के हाथों से हमने स्क्रबिंग करनी है। ईच बीच में थोड़ा थोड़ा वाटर हम ऐड करते जाएंगे और अपने टी जोन को अच्छे से कवर करेंगे एंड वाइप ऑफ कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। तो जी, थर्ड स्टेप में आपको मिलता है नेरोली वाटर स्किन टोनर विद कॉटन पैड। टोनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रब किया है आपने, स्क्रब करने से पोर्स खुल जाते हैं। अब उसको टाइट करना है ना, बंद करना है हमने, वरना डस्ट और चली जाएगी। फोर्थ स्टेप में मिलता है आपको वाइट ग्लो सीरम। देन यूज़ करेंगे हम सीरम ताकि हमारी स्किन जो है वो नरिश रहे। इसको करना है अप्लाई ऑन योर एंटायर फेस एंड ऐसे ही छोड़ देना है। खुशबू इसकी बहुत अमेजिंग थी। इस सीरम में है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, आर्बुटिन एंड पचौली ऑयल। नेक्स्ट स्टेप में आता है एक्टिवेटेड चारकोल क्रीम, जिसको हमने 10 से 15 मिनट तक मसाज देनी है अपनी स्किन को। इस क्रीम के अंदर हमें मिलता है कोकुम बटर, अर्ब्यूटीन एंड एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? एक्टिवेटेड चारकोल इम्प्योरिटीज, डर्ट और टॉक्सिन्स को पुल आउट करता है, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये स्टेप जो होता है वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत मांगता है, फेस के साथ साथ नेक को भी कवर करना होता है। 10 से 15 मिनट से आराम से ले लेता है और फेस की एक्सरसाइज हो जाती है अच्छे से। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स मसाज के जो मैं कर रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, जिसमें हमें मिलता है एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। इसके 2 पैकेट्स मेरे को रिसीव हुए थे, तो मज़े आ गए, एक मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है इसको अप्लाई करने का। इसमें पानी मिक्स करना है और तुरंत ही अप्लाई कर लेंगे, वरना ये ड्राई हो जाएगा। इसकी हमने मोटी सी लेयर लगानी है ताकि पील ऑफ ईजिली हो सके। इस मास्क को पूरी तरह से सूखने देंगे और अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 मिनट्स बाद निकालना है हमने इसको। एंड यस, ताड़ा, सूख गया। अब हम धीरे धीरे इसको पील ऑफ करेंगे। मुझे बहुत नया तरीका लगा, क्योंकि अब तक पील ऑफ मास्क हमने एज अ क्रीम वाले फॉर्म में आता है ना, वही ट्राई किया था। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था। इस पील ऑफ मास्क के अंदर होता है केओलिन, सोडियम एल्जुनेट एंड एक्टिवेटेड चारकोल। ये जो डिटॉक्स चारकोल फेशियल किट है फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम पैराबेन, सल्फेट, सिंथेटिक परफ्यूम्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। इसको यूज़ करने के बाद मुझे मेरी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन, सॉफ्टी सॉफ्टी सी लग रही थी। अच्छा, आफ्टर द होल प्रोसीजर लास्ट में अप्लाई करेंगे अरोमा ट्रेजर्स का वाइट ग्लो सीरम। नाम वाइट ग्लो सीरम है, तो डजंट मीन कि काले से गोरा कर देगा, नो। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को लाइटन करेगा, नरिश करेगा एंड रिपेयर करेगा। ऑल स्किन टाइप्स है, शेल्फ लाइफ मिल जाती है 2.5 ईयर्स की। GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, नो एनिमल टेस्टिंग, FDA अप्रूव्ड है एंड प्योरली मेड इन इंडिया ब्रांड है। 10 टू 15 ड्रॉप्स ऑफ सीरम अप्लाई करना है ऑन योर क्लींज्ड फेस विद अपवर्ड एंड राउंड मोमेंट। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद एंड वंदे मातरम। वीडियो खराब कर रहे हो।